Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to discuss 11th Standard English Chapter 3.5 Film Review, which is a writing skill. 11th Standard ka writing skill students, aapko 12th Standard mein bhi aayega. So, agar aapko, aap filmein dekhte hain, film aapko pasand hai, uska aap reviews dekhte ho YouTube pe, so, aapko zaruri writing skill pasand aayega. Bahut easy writing skill hai. 4 marks के लिए. Let's start with the icebreakers of this chapter from your textbook. So first of all, आपको एक conversation read करना है page number 117 पे और फिर ये activities को fill out करना है. So पहला है from one star given to the movie we conclude that. अगर किसी movie को one star दिया जाए rating के हिसाब से out of 5 star और 10 star one star दिया जाए तो उसका मतलब क्या हो सकता है? The movie is very short. No, हम duration की बात नहीं कर रहे हैं. The movie is not worth watching, यानी कि मूवी देखने लायक नहीं है. द मूवी इज सीरियस, मूवी काफ़ी सीरियस बनी हुआ है. नो, दैट विल बी नॉट द आंसर. द मूवी इज इन ब्लैक एंड वाइट, इवन दैट इज नॉट द सीन. द आंसर इज द मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, देखने लायक मूवी नहीं है तो हम उसे वन स्टार देते हैं. डिस्कस विद द टीचर हाउ वाई आर स्टार्स गिवन इन द मूवी. तो स्टार्स क्यों दिया जाता है मूवीज़ को वो आपको बताना है स्टूडेंट्स. सो बेसिकली स्टार्स दिया जाता है एज अ सिंबल ऑफ रेटिंग होता है. वो एक आइडिया हमें मिलता है कि फिल्म की क्वालिटी कैसी है. स्टार्स से हमें फिल्म के बारे में अच्छा हम रेटिंग कर सकते हैं. उसे हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है कि मूवी देखने जाना है कि नहीं, उसके बारे में हम अवेकन हो सकते हैं. देन अगर हम लेशर टाइम पे यानी कि फ्री टाइम में रिव्यू करना चाहते हैं या किसी मूवी का देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसे काफ़ी आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं. एंड जो रेटिंग होता है स्टूडेंट्स वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्टोरी लाइन, एक्टिंग, लोकेशन, म्यूजिक एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कंसिडर करके रेटिंग्स दिया जाता है. किसी के पर्सनल चॉइस पे नहीं दी जाती है रेटिंग. द वर्ड रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम समराइजिंग एंड अपील राइटिंग. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर फिल्म रिव्यू. तो जो रिव्यू होता है स्टूडेंट्स वो उसे हम समराइजेशन नहीं कहते. हम मूवी को शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं, उसे समराइज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसका मूवी को देखने के लिए लोगों से अपील नहीं कर रहे हैं. तो रिव्यू का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? अ फिल्म रिव्यू इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनल व्यूज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और मूवी. हमारा पर्सनल व्यू होता है किसी मूवी के तरफ या डॉक्यूमेंट्री की तरफ. अ फिल्म रिव्यू गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी to express opinions about the movie including its characters, plot and background. यानी कि उस मूवी के बारे में जो उसमें कैरेक्टर हैं, प्लॉट है उसकी, जो स्टोरी लाइन है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर बैकग्राउंड सीन्स हैं या मूवी के स्टोरी लाइन की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस, अपने व्यूज एंड आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है. द फिल्म रिव्यू गिव्स यू अपीलिंग सेंटेंस दैट मेक्स यू रीडर क्यूरियस एंड एंशियस अबाउट द फिल्म. सो एंड अ रिव्यू मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ द फिल्म. यानी कि मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन या फिर मूवी के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलना जिससे जो हमारे रीडर है वो क्यूरियस हो जाए कि उस मूवी को देखने के लिए जाना है. तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स? ये दो पॉसिबल करेक्ट आंसर्स हैं कि हम अपने पर्सनल व्यूज़ दे सकते हैं मूवी की तरफ, डॉक्यूमेंट्री की तरफ, हम कि पर्टिकुलरली वो मूवी हमें कितनी अपीलिंग लगी, कितनी अच्छी लगी. एंड सेकेंडली हम मूवी के बारे में ओपिनियन देते हैं, अपने व्यूज एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि मूवी की क्वालिटी कैसी है. आफ्टर दिस सेम आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेनेशन है ये वही एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, थोड़ा समराइज किया गया है इसको. तो इफ़ यू वॉन्ट आप लोग यहाँ से इसे कॉपी डाउन कर सकते हो और एज जस्ट स्टे ट्यून्ड, शॉर्टली वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. किसी पर्टिकुलर पेज पे अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी स्टूडेंट्स तो आप रेजोल्यूशन में जाके, अपने सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं. उससे आपको वीडियोस और क्लियर दिखने लगेंगे, वर्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जाके हमें और भी आपके एजुकेशनल डिमांड्स बताओ. Let's see after this the question answers. Stay tuned
टू द चैनल। आपके 11th स्टैंडर्ड के और भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें। ये सारे जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपको इंग्लिश लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर जो है उसके बारे में है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। Let's start with the brainstorming, that is question answers. Every movie is worth critiquing. Describe in detail each point related with the film review with the help of the web given on textbook page number 119. तो हर जो मूवी होता है उसे हम जज कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी मूवी हो या खराब मूवी हो, तो उसके बारे में आपको रिलेटेड पॉइंट्स लिखना है। ये ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में मैंशन है, सो वहाँ से आप कॉपी डाउन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द मूवी जंगल बुक गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो जंगल बुक नाम का एक बहुत फेमस मूवी है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर काफ़ी सारे कार्टून्स भी बेस्ड हैं, तो आपको उस मूवी को रिव्यू करना है इन पॉइंट्स के हेल्प से। क्लासिक एलिमेंट्स, फैंटेसी, यानी कि एक इमेजिनेटिव स्टोरी जिसे हम सोचते हैं, फोटो रियलिज्म कि हम रियलिस्टिक चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं दूसरे मीडियम्स के थ्रू, जैसे कि जंगल बुक जो मूवी है वो CGI द्वारा यानी कि कंप्यूटर के एनिमेशन द्वारा बनाई गई है। ब्लाइंडिंग ऑफ इमोशंस, सो स्टोरी जो है उसमें भले एनिमल्स को दिखाया है, सिर्फ एक ह्यूमन बींग है फिर, बट फिर भी उन एनिमल्स की भी इमोशन दिखाएं, जैसे जो मोगली कैरेक्टर है इसमें उसकी जो मदर होती है जंगल में वो वुल्फ होती है, बट शी लव्स मोगली एज हर ओन चिल्ड्रंस, सो वो होता है इसका इमोशनल एलिमेंट। इट ऑल बिल्ड्स ऑन द चार्म ऑफ 1967 फिल्म विच बाय इट्सेल्फ इज अ मस्ट वॉच फॉर एनी चाइल्ड। एक्सप्लेन दिस सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी फोकसिंग ऑन द टू गिवन फ्रेजेस, चार्म ऑफ द 1967 फिल्म एंड मस्ट वॉच। तो आपको ये दो फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। चार्म यानी कि हम ऐसा इस फ्रेज को कंसिडर कर सकते हैं कि 1967 की सबसे अच्छी मूवी और सबसे चार्मिंग मूवी, सबसे डिसेंट मूवी थी, एंड मस्ट वॉच यानी कि आपको ज़रूर एक बार देखनी चाहिए, कुछ इस तरीके का। तो आपको ये दोनों फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना है। द एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन ओवर योर स्टूडेंट्स, जस्ट यू नीड टू कॉपी डाउन इट इन योर बुक्स। Complete the following sentence. The present review concludes with the two words heartwarming and enjoyable. Write your own opinion in about 100 to 150 words. ये personal response है students. So इस review में लिखा गया है, conclude किया गया है कि movie जो है वो बहुत ही heartwarming है और enjoyable है, तो इसको आप express करिए। So अगर किसी ने भी जंगल बुक मूवी देखी होगी अपने बचपन में, कार्टून कैरेक्टर्स को देखा होगा उसमें के, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छे से याद होगी। एंड पर्सनल रिस्पांस में स्टूडेंट्स, आपको अपने खुद के व्यूज़ एंड आइडियाज़ को लिखने होते हैं। जस्ट योर फोकस शुड बी ऑन प्रॉपरली प्रेजेंटिंग योर आंसर। नेक्स्ट देखो, अगेन आपके चाइल्डहुड की मूवी है नार्निया, Part 1, 2, 3 and 4 is a film about four children who find a path to Narnia. Discuss in your class the special effects and direction. Write a review with the help of the following points in about 100 to 150 words. So Narnia movie बहुत famous है students, आप में से बहुतों ने देखी होगी, फिर नहीं भी देखी होगी। तो एक movie है चार बच्चों के बारे में जिनको अपने घर के wardrobe में से एक magical land पे जाने के लिए रास्ता मिल जाता है,
फिर वहाँ जो जब वो जाते हैं तो काफ़ी अलग अलग तरीके के एडवेंचर्स उनका वेट कर रही होती हैं। सो उसके रिगार्डिंग आपको रिव्यू लिखना है। रिव्यू में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं स्टूडेंट्स, तो वैसे ही आप पॉइंट वाइज ही लिखें आंसर्स को। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आपको मूवी में सबसे अच्छी क्या लगी। सो दिस वे यू कैन प्रेजेंट योर रिव्यू मच मोर बेटर। आपके 11th स्टैंडर्ड में और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए फिल्म रिव्यू आता है, बट द टॉपिक इज नॉट वेरी मच क्लियर। सो आप जो भी मूवीज देखते हो, आप पॉइंट वाइज याद रखो कि आपको कैसे कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है मूवी को रिव्यू करने के लिए, एंड उसको फॉलो करके आप किसी भी मूवी का रिव्यू लिख सकते हो इजीली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर एम्पल ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिल्म मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग फिल्म। कंप्लीट टेबल विद द डिफरेंट प्रोफेशनल स्किल्स दैट द गिवन प्रोफेशन रिक्वायर। सो फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोड्यूसिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो उन प्रोफेशंस के लिए हमें क्या स्किल्स होने चाहिए वो आपको लिखना है। लेट्स सी। एक्टर मेल और फीमेल, एक्टिंग आनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन आवाज़ में चढ़ाव उतार होना चाहिए, बोलने में आपके इमोशंस झलकने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए एंड फेशियल एक्सप्रेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर जो मूवी को डायरेक्ट करता है, एक्टर्स को गाइड करता है कि किस तरीके से वो अपने पर्टिकुलर सीन को करें। सो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए बिकॉज उसके पास जो भी आइडियाज़ हैं वो अपने क्रू को और स्टाफ को एक्सप्लेन कर सके। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इतने सारे लोगों को वो लेकर चलता है, कैमरामैन एक्टर को एक्टर्स बैकग्राउंड एक्टर्स, तो उसके पास लीडरशिप और मैनेजमेंट की स्किल भी होनी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, अब कैमरा हैंडल करना है या लाइट की कुछ सेटिंग है तो उसे ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर, जो फिल्म में पैसा लगाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। बजटिंग, मूवी का बजट डिसाइड करते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर अराइज हो गई तो दे सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दे शुड ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन स्किल्स विद द डायरेक्टर विद द एक्टर्स एंड विद द मार्केटिंग टीम एंड ऑल। म्यूजिक डायरेक्टर, यस, किसी मूवी को अगर हिट बनाना है तो म्यूजिक भी उसमें बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है उसमें भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, म्यूजिकल टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गूगल पे से बस उठाया, कॉपी पेस्ट मार दिया, सॉन्ग्स के बीट्स को चेंज कर दिया, रिमिक्स कर दिया, नया सॉन्ग बन गया। नो, उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, नए की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रिजर्वरेंस होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर जो स्टोरी को लिखते हैं, क्रिएटिव, मास्टरी ओवर लैंग्वेज, राइटिंग एबिलिटी, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। लिरिस्ट, सो लिरिस्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो गानों को लिखता है, सो वो उसकी भी जो क्वालिटीज़ होंगी वो एक स्क्रिप्ट राइटर के जैसे ही होगा। नेक्स्ट इज कैमरामैन, इस जो अलग अलग एंगल्स से सीन को रिकॉर्ड करते हैं, हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। टेक्निकल स्किल होना चाहिए, क्रिएटिविटी, छोटे से छोटे डिटेल्स के ऊपर उनकी नज़र होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए सो दैट वो अपने अलग क्रू के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। देन सिनेमेटोग्राफर, जो स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा है उसे प्रॉपरली प्लान करता है, उसे गाइड करता है, सो टेक्निकल स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिविटी, अच्छी कम्युनिकेशन और डिटेल्स के ऊपर नज़र होनी चाहिए। सेट डिज़ाइनर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का हम देख लेंगे। सो दिस आर द स्किल्स दे रिक्वायर। दिस आर सम एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स गिवन अवे हियर जो आप कर सकते हो अपने ओन से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म रिव्यू। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियो स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द आर्ट ऑफ कॉम्परिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।